Hello my dear teachers and students, welcome back to the new series of NCERT chapter discussions. I hope sabhi ne class 8th ka crop production and management ka part 1 zarur dekh liya hoga. Aaj hum baat karte hain part 2 ki. Part 1 mein humne already discuss kar liya tha ki kis tarah se farmers jo hain apni soil ko prepare karte hain aur phir jab soil ek bar prepare ho jati hai तो सोइंग की तैयारी करते हैं. लेकिन उसी बीच जो फार्मर्स हैं वो अपनी सॉइल को चेक करते हैं कि किस तरह से वो सोइंग कर सकते हैं. क्या वो सॉइल में इनफ न्यूट्रिएंट है? क्या उसमें जो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो इनफ है क्रॉप्स के लिए? तो ये सब की तसल्ली करने के बाद ही जो फार्मर है वो सोइंग करता है. उसके लिए उसे ऐड करना होगा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है ये फार्मर कभी सोइंग के पहले भी ऐड कर सकते हैं और कभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे सोइंग के बाद भी ऐड करते हैं. ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी सॉइल का सैंपल चेक करवा लेते हैं एग्रीकल्चरल लैब्स में. जिस तरह से हम अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है न्यूट्रिएंट्स की, उसी तरह फार्मर्स भी अपने सॉइल सैंपल को चेक करवाते हैं एग्रीकल्चरल लैब्स में और देखते हैं कि क्या कोई न्यूट्रिएंट उसमें कम तो नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है. यस, क्या उसमें इनफ ह्यूमस है, इनफ ऑर्गेनिक मैटर है जिससे कि वाटर जो है वो रिटेन हो पाए. तो ये सब चेक करने के बाद ही वो तय करता है कि उसे कौन से क्रॉप में इन्वेस्ट करना है. अब बात करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स एक्चुअली में है क्या. मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं जिससे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो हेल्दी हो. हम सभी को पता है कि प्लांट्स को जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से मिलेगा. ओके, यही मिनरल्स जो हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं एंड उनको रूट्स फिर एब्सॉर्ब करते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल में बने रहे. पर होता क्या है, जो फार्मर है वो लगातार अपनी फील्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहा होता है. एक हार्वेस्ट होती है फिर दूसरा ग्रो कर लेता है, फिर हार्वेस्ट करता है फिर ग्रो कर लेता है, यानी अपने सॉइल को वो कभी फ्री छोड़ता ही नहीं है. तो आप ये सोचिए कि जब सॉइल इतनी एक्सप्लॉइट होगी तो क्या उसमें जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है क्या वो रिटेन रह पाएगी? तो ये जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है ये सॉइल को कैसे बना देते हैं? वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए फार्मर्स को टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर ऐड करना होता है ताकि जो सॉइल है वो रेप्लेनिश हो न्यूट्रिएंट्स से, जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाए. यस, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. और अगर हमने प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं की है, अगर सफिशिएंट मैन्योरिंग नहीं की है तो ऑफकोर्स वीक प्लांट्स हो सकते हैं. तो अब ये जो मैन्योरिंग करने के लिए जो मैन्योर है वो क्या है? मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से. हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं वो किस तरह से प्लांट और एनिमल वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, तो फार्मर्स जो हैं वो बड़े बड़े पिट्स में, ओपन प्लेसेस में इन प्लांट एंड एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. और फिर धीरे धीरे यही जो वेस्ट है ये डिकम्पोज होगा और बनाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर. हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन को एनहेंस कर लेते हैं, कौन से एनिमल्स जो हैं वो मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं. वेरी राइट, अर्थवर्म्स. तब जब अर्थवर्म से मैन्योर बनता है, कंपोस्ट बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इफ़ यू रिमेंबर हमने क्लास 6th में पढ़ा हुआ है. वेरी राइट, वर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है मैन्योर
बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस पेज का हम सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस पेज से बन सकता है वो है कि व्हाट डू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड टू द सॉइल। जल्दी से बता दीजिए। वेरी राइट, न्यूट्रिएंट्स, यस, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन सॉइल। क्या इफेक्ट हो सकता है कंटिन्यूसली अगर हम कल्टीवेट करते जाएं क्रॉप्स का? यस, द सॉइल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यस, विच प्रोसेस रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स? वेरी करेक्ट, मैन्योरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैन्योर एंड हाउ इज इट मेड। तो मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। यस, और कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फार्मर्स जो हैं दे डंप द एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। वर्मी कंपोस्टिंग कैन बी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हियर। ओके, तो ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर हो सकता है। विच एनिमल कैन बी यूज्ड इन मेकिंग द मैन्योर? वेरी राइट, अर्थवर्म। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अर्थवर्म्स आर यूज्ड टू मेक मैन्योर? वेरी गुड, वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, अगर आप इससे हैप्पी हैं तो जल्दी से एक स्माइल के साथ में नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक एक्टिविटी बताने की कोशिश की है, और उस एक्टिविटी में जो स्टूडेंट है वो तीन कप लेते हैं, ए, बी और सी। इन तीनों में ही थोड़ा थोड़ा सॉइल डालकर ग्राम सीड्स को डाल देते हैं। अगर आपने कभी स्कूल में ये किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। ए कप में ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर में आप प्लांट वेस्ट डाल सकते हो या एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट आसानी से मिल जाता है, एनिमल वेस्ट मतलब जो कैटल वेस्ट है, कैटल वेस्ट जैसे काउ डंग, तो यहाँ पर इन्होंने काउ डंग डाला है। ओके, तो एक्चुअल में ये ए में क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि काउ डंग की फॉर्म में है। दूसरे कप में, बी कप में, इन्होंने यूरिया ऐड किया है जो कि एक केमिकल है, ये भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है और इसे हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज़र। तो बी कप में इन्होंने फर्टिलाइज़र डाला है, और सी कप में सिर्फ सॉइल है और सीड है, और कुछ दिनों तक इसे 7 to 10 days तक उसे रखा गया, सेफ प्लेस पे रखा गया और प्रॉपरली उसको रोज़ वाटर दिया गया और देखा गया कि किस तरह से ग्रोथ होती है। तो सोचिए किस तरह से ग्रोथ होगी। फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि ए कप में भी ग्रोथ हुई है, बी कप में भी ग्रोथ हुई है और सी में भी हुई है, लेकिन सबसे कम ग्रोथ किस में हुई है? सी में, जिसमें नॉर्मल सॉइल है, बहुत रिच सॉइल नहीं है। ए में भी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, ओके, और बी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है क्योंकि शायद इसमें इन्होंने कुछ केमिकल्स ऐड कर लिए, कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐड कर लिए जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ को एनहांस करते हैं। तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो है फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ पर ये जो बी कप में फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए, ये क्या चीज़ है? फर्टिलाइज़र्स जो है दे आर वेरी रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो हो सकता है इस ग्राम को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट उसे यहाँ पर मिल गया है। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया एक तरह का फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। ओके, अमोनिया का एक सॉल्ट होता है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है क्लोरोफिल का,
यस और क्लोरोफिल हमें पता है फोटोसिंथेसिस में कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो यूरिया फर्टिलाइज़र है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जिससे कि ग्रीन लीफी ग्रोथ होती है और जो प्लांट्स है वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, लश ग्रीन दिखते हैं। और यूरिया जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं फॉस्फोरस और पोटेशियम भी देता है जिससे कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ओके दूसरे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट भी नाइट्रोजन और सल्फर बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर सुपर फॉस्फेट यूज़ किया जाता है। सुपर फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फरस बढ़ाता है। तो ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र है जो कि हायर यील्ड देता है और फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, यस राइपनिंग में हेल्प करता है। जो सुपर फॉस्फेट के जो फर्टिलाइजर्स है तो वो सपोर्ट करता है फ्रूट रूट्स और सीड्स को ग्रो करने में। ओके फिर लास्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो NPK। NPK इज नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम। N इज़ फॉर नाइट्रोजन, P इज फॉर फॉस्फरस एंड K इज़ फॉर पोटेशियम। ओके सो दीज आर द केमिकल सिंबल इफ यू रिमेंबर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फिर जो पोटेशियम है वो मूवमेंट ऑफ वाटर को एसोशिएट करता है, न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाता है। ओके तो इस तरह से ये जो पोटेशियम है, जो फॉस्फोरस है, जो नाइट्रोजन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हमने उसको सॉइल में डाल दिया तो ऑफकोर्स हमारी यील्ड बढ़ जाएगी और फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो बहुत यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का। लेकिन फर्टिलाइजर्स में कुछ इश्यूज भी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं जैसे मेडिसिंस हम पर ऐड करती है। अगर हम में कोई डेफिशिएंसी होती है तो हम टॉनिक्स लेते हैं, यस उसी तरह से जब सॉइल में कोई डेफिशिएंसी होती है तब हम उन्हें फर्टिलाइजर्स देते हैं। बट क्योंकि फर्टिलाइजर्स के इतने फ़ायदे हैं तो जो किसान है वो इन फर्टिलाइजर्स का बहुत ओवर यूज़ करता है, और जब ओवर यूज़ करता है तो ये सॉइल को पल्यूट करने लग जाती है, ये वाटर को पल्यूट करने लग जाती है जब रेन वाटर के साथ में ये बह के रिवर्स में आ जाती है। एंड इट इज़ रियली रियली वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके तो ये वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स भी है। तो इसी वजह से हमें बहुत सोच समझ के ये फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एक बार प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लेकिन फिर सॉइल की क्वालिटी का क्या, वाटर के पोल्यूशन का क्या? तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए हम ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करें। ऑर्गेनिक मैन्योर बिल्कुल हमारे बैलेंस्ड डाइट की तरह है, यस अब आप ये सोचिए कि एक तरफ आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, और एक तरफ आप विटामिन ए के कैप्सूल्स खा रहे हैं, आयरन के कैप्सूल्स खा रहे हैं, कैल्शियम के कैप्सूल्स खा रहे हैं, तो कैप्सूल्स खाना ज़्यादा बेटर है या जो सारे न्यूट्रिएंट एक बार में मिल रहे हैं हमारे बैलेंस डाइट के थ्रू वो लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? सोचिए। तो उसी तरह से जो फार्मर्स हैं उन्हें भी मैन्योर का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैन्योर जो है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है सॉइल में, वो ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बन रिच होता है, यस जो ह्यूमस रिच होता है, और उसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, उसका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी रिच हो जाते हैं। तो ये जो चॉइस है ये बहुत इंटेलिजेंटली करनी चाहिए कि हमें किस वक्त फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और किस वक्त हमें मैन्योर यूज़ करना है। अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें मैन्योर का यूज़ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो सॉइल है, हमारे जो वाटर है वो इस तरह से पल्यूट हो, इस तरह से एक्सप्लॉइट हो,
यस, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर आपने नाम सुना होगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही ये है कि वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र नाम के जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स नाम के जो केमिकल्स हैं, ये वहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर सारे नेचुरल तरीके से जो मेन्योर बनाया गया है उसे यूज़ किया जाता है, जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं उसे यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका जो है वो है क्रॉप रोटेशन का। तो ये ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम एक सीज़न में एक क्रॉप ग्रो करें, दूसरे सीज़न में दूसरा क्रॉप ग्रो करें, और इस तरह से ग्रो करें कि वो एक दूसरे को न्यूट्रिएंट रिच बनाए और सॉइल को डिप्राइव नहीं करें, सॉइल में से सारा न्यूट्रिएंट को सोक नहीं कर लें, सारे न्यूट्रिएंट को ख़त्म नहीं कर लें। यस, इस तरह से हमें प्लानिंग करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो एक सीज़न में वीट ग्रो करते हैं, तो दूसरे सीज़न में वो उसी फार्म पर लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं जो फॉडर की तरह यूज़ किया जाता है। यस, चारा जिसे कहते हैं, चारा की तरह यूज़ किया जाता है। पर अगर आपको याद हो, ये लेग्यूम्स वही राइजोबियम बैक्टीरिया वाले नोड्यूल्स के साथ में होते हैं जो कि सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर डैट, यस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्लास 7th में पढ़ा था। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, याद आया। तो ये जो क्रॉप रोटेशन का जो मेथड है ये भी बहुत एक इंटेलिजेंट मूव है सॉइल को रिप्लेनिश करने का। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार वीडियो पॉज कर ले और जल्दी से एक फास्ट रीडिंग कर ले इस पेज की और रेडी हो जाए अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए। रेडी है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? बिल्कुल साफ दे रखा है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। नेम 3 फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें से एनी 3 आप नेम कर सकते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, या पोटैश है, या NPK है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ डू फर्टिलाइजर्स अफेक्ट आर एनवायरनमेंट? आर दे गुड फॉर द एनवायरनमेंट? नो, दे कैन बी वेरी गुड फॉर प्लांट्स इन सम सिचुएशन, बट एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है और इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, व्हेन इट इज़ बीन रन आउट बाय द रेन वाटर इन द रिवर्स। देन कम्स, हाउ द मेन्योर हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर? बिकॉज दे एड ऑर्गेनिक मैटर टू इट। The next question comes, what could be the methods to replenish the soil with various nutrients? बहुत सारे methods हो सकते हैं, तो हम explain कर सकते हैं use of manure और crop rotation को। उसके बाद में एक hot question भी बन सकता है, जैसे Raman wants to improve the yield of his crop, what could be the best and cheaper way to improve his yield? Justify your answer, सोचिए इस बारे में और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपने ये सारे आंसर्स अच्छी तरह से दे दिए हैं तो बी हैप्पी और जल्दी से स्माइल के साथ में चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर वही डिफरेंसेस बताए गए हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मेन्योर। तो हमने देखा था फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, केमिकल्स होते हैं और फैक्ट्रीज में बन रहे होते हैं, इसीलिए वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक का मतलब होता है मिनरल्स, मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस, है ना, कैल्शियम, ये सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ये जो हमने फर्टिलाइज़र की बात करी थी ये स्पेसिफिक मिनरल्स हैं। ओके, स्पेसिफिक मिनरल्स, तो ये स्पेसिफिक मिनरल्स को हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। दूसरी तरफ मेन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं बोला गया है, आप ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन रिच होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मेन्योर जो है कार्बन रिच, अब कार्बन रिच का मतलब ये नहीं है कि उसमें दूसरे मिनरल्स नहीं होंगे,
मिनरल सारे ही होंगे लेकिन कार्बन रिच होगा, ऑर्गेनिक रिच होगा वो. ओके, सो मेन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से. देन कम्स फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वाइल मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. यस, हमने देखा था कैसे जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से पिट को खोद रहे हैं, कैसे गड्ढों में जो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डालते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और फील्ड में ही मेन्योर को बनाते हैं, इसीलिए वो चीपर भी होता है. यस, फिर जो थर्ड पॉइंट डिफ्रेंसिएशन का वो हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो किसी भी तरह का ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं. ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर. तो ये ऑर्गेनिक मैटर किसी भी तरह का सॉइल में ऐड नहीं करते हैं बिकॉज ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बने होते हैं. वाइल जो मेन्योर है दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस. नाउ व्हाट इज दिस ह्यूमस? ऑर्गेनिक मैटर. और ऑर्गेनिक मैटर हमने देखा था कार्बन रिच, तो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस टू द सॉइल. फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर वेरी रिच इन स्पेसिफिक, यहाँ पे आप स्पेसिफिक ऐड कर सकते हो वर्ड, स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स विद नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम. वाइल जो मेन्योर है दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. रिलेटिवली लेस, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है. ओके, सब कुछ बैलेंस तरीके से होता है अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं. अगर हम सॉइल को ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं तो मेन्योर इनफ होता है. तो मेन्योर वैसे रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में. रिलेटिवली का मतलब फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में. फिर एक बात आती है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं इतना रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट में तो फिर भी हमें मेन्योर को क्यों यूज़ करना चाहिए ज़्यादा? तो मेन्योर जो है वो क्यों कंसिडर किए जाते हैं बेटर देन फर्टिलाइजर्स? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर साल आता है. तो यहाँ पर इसकी बात करें तो जो एडवांटेजेस हैं मेन्योर के, वो नंबर वन है कि सबसे पहले वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. ओके, तो वाटर ड्रेन आउट नहीं होता ईजीली. क्यों ड्रेन आउट नहीं होता? बिकॉज जो ह्यूमस है वो सॉइल के टेक्सचर को रिप्लेनिश कर देता है और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. दूसरा पॉइंट है कि किस तरह से जो मेन्योर है वो सॉइल को पोरस बना देता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाता है. और हमें पता है किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होता है. यस, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और रूट्स हैं प्रॉपरली ग्रो हो पाएगी अगर सॉइल पोरस होगी. तो मेन्योर के बहुत फ़ायदे हैं. उनमें से अभी हमने ये फ़ायदा देखा कि वो माइक्रोब्स की हेल्प कर रहा है और उसी वजह से जो माइक्रोब्स की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. तो इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल. यस, एंड देन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. वही बात, टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल. तो आज की डेट में हमें हमेशा मेन्योर का यूज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी काम भी कर रही है. दे आर ट्रेनिंग द फार्मर्स टू मेक मेन्योर. अलग अलग तरह की कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से वो अपनी सॉइल की देखभाल करें. अभी आपने एक रिसेंटली मूवमेंट देखा होगा सेव सॉइल का, तो सेव सॉइल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. हम एक तरह से जब मेन्योर यूज़ कर रहे हैं तो हम सॉइल को सेव कर रहे हैं. यस, फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ फार्मर टू टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस. आई होप अब ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर कर लेंगे. तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ में और रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा. Thank you so much. Have a nice day. See you soon.